Then we will learn how to perform volumetric analysis to measure the molarity and strength of unknown solution. In class 12th, ये experiment आपका compulsory होगा और जिसमें हम एक unknown solution हमें KM4 का दिया जाता है जिसके strength को हम measure करते हैं. तो इसको करने के लिए जैसा आप जानते हैं कि टाइटेशन में एक हमारा अननोन सॉल्यूशन होता है और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो आपको मोहर साल्ट M/20 या M/40 मोलरिटी का बनाना होता है, 250 ml या 100 ml. तो 250 ml में कितना अमाउंट लगेगा या किसी भी वैल्यूम में कितना अमाउंट लगेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है. आप डायरेक्ट फार्मूले से आ सकते हैं, GMM ग्राम मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000. इसको सॉल्व करेंगे, 2.45 ग्राम आप मोहर साल्ट ले लेंगे और इसको 250 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर लेंगे. इसके बाद बच्चों आपको ये सॉल्यूशन, पिंक कलर का सॉल्यूशन ये मिलेगा, इसको हम KM4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं और इसीलिए इस टाइटेशन को पोटेशियम परमैंगनोमेट्रिक टाइटेशन भी बोलते हैं. बच्चों सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब हमारे दोनों सॉल्यूशन रेडी हो जाएं, एक तो हमें दिया जाएगा और दूसरा हम प्रिपेयर कर लें, तो हम एक अपने पास ब्यूरेट ले लेंगे, एक पिपेट लेंगे बच्चों, ठीक है, और एक ब्यूरेट स्टैंड ले लेंगे, और हमारे पास होना चाहिए एक कोनिकल फ्लास्क, ये आपका इसी को टाइटेशन फ्लास्क भी कहा जाता है, ठीक है, और हम बेस पर एक वाइट पेपर लगा देंगे ताकि जो कलर चेंज है एट द एंड पॉइंट वो हमें पता चले. अब हम सबसे पहले बच्चों KM4 को हम कहाँ लेंगे, ब्यूरेट में लेंगे. तो ब्यूरेट और पिपेट में अंतर ये है कि ब्यूरेट कैन बी, इट इज आल्सो हालो सिलेंड्रिकल ट्यूब प्रोवाइडेड विद नॉजल एट द एंड और स्टाफ कॉक होगा. ब्यूरेट से हम एंड पॉइंट को डिटरमिन कर सकते हैं. इट इज यूज टू टेक एनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जितना भी जरूरत हो उसको ले सकते हैं. और पिपेट क्या होता है कि इट इज आल्सो सिलेंड्रिकल ट्यूब प्रोवाइडेड विद बल्ब इन द मिडिल, लेकिन जब आप मेजरमेंट करोगे तो बल्ब को आपको नहीं होल्ड करना होता है, इसको इस तरह से पकड़ना है, ठीक है. और उसके बाद यहाँ से सेट करके हम 20 ml 25 ml जो हमारी पिपेट की कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लिक्विड को एक टाइट्रेशन फ्लास्क में ले लेंगे. तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं कि पहले हम कैसे ब्यूरेट को फिल करेंगे. तो सबसे पहले रिंसिंग करी जाती है, इसमें हमने 1 ml लिया हुआ है और इसको इसके बाद रोटेट करते हैं बच्चों, ताकि जो हमें लिक्विड इसमें लेना है, जो हमारा KM4 है, वो इसके इनर सरफेस पर लग जाए और फिर उसको नीचे से नॉजल से निकालते हैं ताकि इसके पैसेस में जो भी वाटर हो वो इसमें से घुल करके इसके साथ डिजॉल्व हो करके निकल जाए. ये देखिए इस तरह से, और इसको बहुत ही आसानी से आप करिएगा क्योंकि इसमें हाँ इस तरह से आप इसको निकाल देंगे फिर ये निकल जाएगा. अब बच्चों ये होगा कि आपका ये ब्यूरेट रेडी हो गया फिल करने के लिए, ठीक है. जब ये पूरा निकल जाए अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको निकाल दीजिए क्योंकि इन सब में वाटर भी अंदर जो लगा था वो डिजॉल्व हुआ होगा तो इससे स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है. अब बच्चों इसके बाद वापस इसको बंद कर लीजिए, अब ये रेडी है. इसको फिल करने के लिए आप इसको स्टैंड में लगा के भी फिल कर सकते हो और आप इसमें फनल लगा के भी फिल कर सकते हो, जैसे आपसे बने, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. और बेटर ये होगा कि इसमें आप पहले इस तरह से फनल लगा लें और नीचे ये देख लें कि जो स्टाप कॉक है ये बंद है कि नहीं, ठीक है. इसके बाद फिर आप इसमें KM4 को फिल कर लें. देखिए इसमें हमने क्या काम किया हुआ है कि यहाँ पर थोड़ा अपनी उंगली को हमने इस तरह से रखा हुआ है ताकि एयर को निकलने के लिए यहाँ पर जगह बनी रहे, ऐसे पकड़ लिया. अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि इसको क्या करेंगे, स्टैंड में लगा देंगे. स्टैंड में लगाने के लिए हम इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे, ठीक है, और फिर इसको लगा करके इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे ताकि जो इसके मार्क्स हैं वो हमारे सामने की तरफ विजिबल हो. फिर हम इसको लोअर कर लेंगे क्योंकि हमें फिल करना है बच्चों, और इसके बाद फिर हम यहाँ पर फनल लगा देंगे और इसको फिल कर लेंगे. तो जब हम फिल करेंगे
तो केमनो 4 को जो हमारा जीरो मार्क्स है, जीरो मार्क के थोड़ा सा ऊपर तक ले आएंगे। और ऐसा क्यों करते हैं वो अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये जीरो ने ब्यूरेट में जब हम इसको फिल करेंगे रिंस करने के बाद, तो हम जीरो के थोड़ा ऊपर तक इसको फिल कर लेते हैं पहले। लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा मत फिल करिए कि इधर से निकलने लगे। हमने ऐसा इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टॉप कॉक के बाद यहाँ पर एयर भरी हुई है। कई बच्चे क्या होता है एग्जाम में जल्दीबाजी में इसको भरते हैं और यहाँ जीरो तक ही एग्जैक्टली भरते हैं और भूल जाते हैं कि यहाँ पर एयर भी है और वो टाइटेशन करने लगते हैं। और फिर जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर एयर में केवल सॉल्यूशन ट्रेबल करेगा, उसका मेजरमेंट यहाँ हो जाएगा लेकिन वो सॉल्यूशन आपके टाइट्रेशन फ्लास्क में नहीं गिरेगा। तो इस चीज को आपको ये देखना है कि कोई भी एयर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा ज़्यादा भर लेंगे जीरो के, उसके बाद के नीचे से बहुत ही केयरफुली इसको खोल के निकालेंगे। अब आप देखिए अब इसको हम बंद कर देंगे और नीचे देखते रहेंगे कि हमारा जीरो जब आए तो हम इसको बंद कर लें। बच्चों एक चीज़ यहाँ पर और आप देखिए, एयर निकल गया यहाँ पर। अब यहाँ से एक ड्रॉप भी अगर गिरेगा तो इसका मेजरमेंट यहाँ से हो जाएगा और वो एक ड्रॉप सॉल्यूशन भी अगर गिरेगा तो सीधे दूसरे सॉल्यूशन में टाइटेशन फ्लास्क में जाके मिल जाएगा। अब एक चीज और आप देखेंगे कि इसके रीडिंग को कैसे पढ़ा जाए। तो बच्चों पढ़ने के लिए जो मार्क है, जो इस पर मार्क बना हुआ है, एकदम हमारे आंख के सामने होना चाहिए। और चूंकि ये डार्क कलर्ड लिक्विड है तो इसके केस में अपर मेनिस्कस हम नोट करेंगे। मेनिस्कस का मतलब होता है कर्व्ड सरफेसेस, जो कि लिक्विड किसी दूसरे हॉलो ट्यूब में बनाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं हमने अपर मेनिस्कस को ले लिया है, ये हमारा जीरो पर पहुंच गया है। और अब हम इसको यहां पर लगा देंगे स्टैंड में, जो हमारा ब्यूरेट स्टैंड है। मार्क को हम अपने आंख के सामने रखेंगे। अब बच्चों आता है कि हम जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी को सिफार जो हमारा कैपेसिटी है पिपेट की 25 ml, वो हम ले लेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम अपना पिपेट ले लेंगे और इसको भी पहले रिंस कर लेंगे। रिंसिंग का तरीका वही है कि इसमें भी बच्चों जो सॉल्यूशन इससे लेना है उसको पहले हम इसमें डाल लेंगे और ताकि वो इसके इनर सरफेस पर पूरा लग जाए। इस तरह से रोटेट कर लीजिए, ठीक है, बल्ब में भी लग जाए और अगर कोई वाटर लगा हुआ है तो वो इससे निकल जाए। अब इसको कैसे लेना है बच्चों, ये देखिए। सबसे पहले आप इसको इस तरह से होल्ड करेंगे, ठीक है, जो हमारा थंब और मिडिल फिंगर है इन दोनों के बीच में, और इसको पकड़ेंगे इंडेक्स फिंगर से, इसको रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लें कि इसमें जो वैल्यूम है ये 25 ml मेजर करेगा और जो इसका निशान है 25 ml का यहाँ तक है, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर भी लिखा हुआ है कि ये 25 ml मेजर करेगा 27°C पर। तो ठीक है, आपको बल्ब को टच नहीं करना मेजरमेंट करते समय, क्योंकि अगर इसको आप टच करेंगे तो हीट से, आपके हाथ के हीट से बल्ब का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, फिर लिक्विड का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों इसको करते हैं, आप इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और फिर इसको उस लिक्विड में रख देंगे। जब आप लिक्विड को मेजर करेंगे तो ध्यान रहे कि जो बीकर है उसमें लिक्विड हमेशा जो पिपेट का वॉल्यूम है उससे ज़्यादा होना चाहिए, इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कम है और आप उसको सक कर रहे हैं तो अगर लिक्विड कम हो गया तो उधर से एयर आएगी और सीधे वो लिक्विड आपके माउथ में जा सकता है। तो देखिए हम इस तरह से होल्ड करेंगे और इसको केयरफुली बहुत धीरे धीरे एक लय में, एक रिदम में बहुत धीरे धीरे इसको सक करेंगे। और इस लिक्विड को ये मार्क के थोड़ा ऊपर तक आपको सक करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या करना है, ये देखिए मार्क यहां पर है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अब आप इसको पकड़ सकते हैं क्योंकि मेजरमेंट हो चुका है, या आप अभी भी मत पकड़िए क्योंकि अभी ये निशान तक नहीं आया है। तो आप इसके ऊपर कहीं भी पकड़ के इसको ऐसे धीरे धीरे रोटेट करिए
ऐसे करेंगे तो लिक्विड कंट्रोल्ड वे में बहुत धीरे ड्रॉप ड्रॉप नीचे आता है बच्चों, और चूंकि ये लाइट कलर लिक्विड है तो इसमें लोअर मेनिस्कस नोट करेंगे। मेनिस्कस ऐसे बनता है तो ये पार्ट निशान पर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए हमारा आया है, किनारों पर थोड़ा उठा होगा। इसके बाद फिर हम इसको सीधे टाइटेशन फ्लास्क में ले लेंगे। तो ठीक है, हमने एक उंगली आप इस तरह से फिंगर अपना लगा लीजिए ताकि इसके वाल पर ना लगे, और इस तरह से लिक्विड को आप पोर कर दीजिए। पोर करने में क्या है, इंडेक्स फिंगर को सीधे हटा दीजिए, वो लिक्विड सीधे बीच में गिरेगा, जो टाइटेशन फ्लास्क है उसके वाल पर नहीं लगेगा। अब बच्चों आपने क्या किया कि जो M/40 मोहर साल्ट था उसके 25 ml को आपने ड्रा कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको ब्लो नहीं करते हैं। कई बार बच्चे क्या होते हैं ब्लो करके लास्ट ड्रॉप भी निकालते हैं, तो ये पिपेट उसका मेजरमेंट नहीं करता है। तो बस आप इसको यहां रख देंगे, और अब इसमें मीडियम मिलाने की जरूरत होगी। तो मीडियम में हम क्या मिलाएंगे, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट होता है, 4 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड होगा। हम इसको 25 ml है तो 20 ml या एक टेस्ट ट्यूब, ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक है, इसमें मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, आप सीधे भी बच्चों मिला सकते हैं या फिर आप इसमें एक टेस्ट ट्यूब मिला लीजिए। आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं, एसिड है हालांकि ये डाइल्यूट है। ठीक है, ये हमने मीडियम मिला लिया, आप थोड़ा सा ज्यादा भी मिला सकते हैं क्योंकि अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फेरस आयन जितना आपने पिपेट से ले लिया वो उतना ही रहेंगे उनकी संख्या। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा रेडी है, अब हम ये जो हमारा केमनोफोर है इसको एडजस्ट करेंगे ताकि नॉजल ये हमारे टाइटेशन फ्लास्क के माउथ में आ जाए, कुछ इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसको ऐसे होल्ड करिए, दूसरे हाथ से इसको पकड़िए और इसको धीरे से ओपन कर दीजिए। अब ये ड्रॉप वाइज गिरेगा, अब और फिर आप दूसरे हाथ से इसको रोटेट करते रहिए बच्चों। ये आप तब तक करिए जब तक कि आपको लाइट परमानेंट पिंक कलर ना मिल जाए। ये आप ऐसे करते रहेंगे, इसमें टाइम लगेगा बच्चों, आपको उस पॉइंट को नोट करना है जैसे ही ये लाइट परमानेंट पिंक कलर हो। अभी आप देख रहे हैं कि पिंक कलर जो आ रहा है वो डिसअपियर हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब एंड पॉइंट आएगा तो ये लाइट परमानेंट पिंक कलर हो जाएगा, उसके बाद डिसअपियर नहीं होगा। आप उस रीडिंग को नोट कर लेंगे, फिर आप जो सॉल्यूशन है इसको फेंक देंगे, फिर आप 25 ml लीजिए, फिर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाइए और फिर इसी तरह से रख के आप केमनोफोर मिलाइए जब आपको लाइट परमानेंट पिंक कलर मिल जाए। इस तरह से कम 4 रीडिंग लीजिए जिसमें कम से कम 3 कॉन्करेंट रीडिंग्स मिलना चाहिए, एक जैसी रीडिंग्स। अगर आप देख रहे हैं कि रीडिंग्स में अंतर ज़्यादा है इसका मतलब फॉल्ट हो रहा है, रीडिंग में ज़्यादा अंतर होना नहीं चाहिए। तो ये जो कॉन्करेंट रीडिंग्स होंगी उस रीडिंग को लेकर के आगे आप कैलकुलेशन करेंगे। शुरू की रीडिंग में आप इसको ड्रॉप वाइज ही लेंगे। ठीक है, जब आपका लाइट परमानेंट पिंक कलर आ जाए तो आप उस रीडिंग को नोट कर लेंगे, ये आपका लाइट परमानेंट पिंक कलर है। थोड़ा ये लाइट ही होना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब एंड पॉइंट आ जाएगा उसके बाद चाहे जितना केमनोफोर मिलाइए ये डार्क होता जाएगा, लेकिन फेरस आयन खत्म हो चुके हैं। अब जो आप केमनोफोर डाल रहे हैं तो उसमें वो रिएक्ट नहीं हो रहा है, वो केवल इसको कलर इम्पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब आपको लाइट परमानेंट पिंक कलर मिल जाए तो आप उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। जैसे मैं रीडिंग यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं बच्चों, तो थोड़ा सा इस रीडिंग को आप अगर पढ़ें तो ये रीडिंग 10 आ रही है आपकी। ठीक है, अपर मेनिस्कस लेंगे तो ये रीडिंग 10 आ रही है। इस रीडिंग को, ये फर्स्ट रीडिंग होगी, इसको नोट करेंगे और इस प्रोसेस को कम से कम 3-4 टाइम्स रिपीट करेंगे। जब आपको 3 कॉन्करेंट रीडिंग मिल जाए फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में ये रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है,
हम जान रहे हैं कि जो केमनोफोर है वो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बच्चों तो वो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है। तो आपको ऐसे देखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट इन सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम चेंजेस टू पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज चेंजेस टू मैग्नीज सल्फेट, और जो हाइड्रोजन है उससे वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो फेरस सल्फेट है कहां पर आई है, मोहर साल्ट में। मोहर साल्ट होता है हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट, वो फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो कि यहां पर एक नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो रहा है, यहां पर 5 प्रोड्यूस हो रहा है। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करिए, पहले वाले के साथ जोड़ दीजिए, आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। आप इन दोनों में से एक रिएक्शन राइट हैंड साइड लिखते हैं, एक रिएक्शन में भी आयनिक रिएक्शन इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। तो इसका मतलब इसमें जो स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2 मोल केमनोफोर का 10 मोल फेरस साल्ट या 10 मोल मोहर साल्ट से रिएक्शन कर रहा है। तो इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्शन करेगा, 5 से। तो जो स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में वो हमारा 1:5 है। तो इसको यहां पर लिखेंगे, जो कैलकुलेशन का फार्मूला होगा, मोलरिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपॉन मोलरिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और इनका जो रेशियो होना चाहिए 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 5 रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट हो रहा है, तो इनका रेशियो होना चाहिए 1:5। अब आप वैल्यू रख दीजिए, चूंकि मोलरिटी ये आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आपका यहां से ब्यूरेट की रीडिंग है 10, वो आप ले लेंगे, और यहां पर देखिए मोलरिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ये कितना है बच्चों, 1/40 m/40 लिया गया है, और हमारा वॉल्यूम कितना है, 25 ml लिया गया है, और ये रेशियो 1:5 होना चाहिए। कैलकुलेट फॉर एक्स, ये आपकी मोलरिटी हो जाएगी। हाँ, तो बच्चों करके बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी। फिर हमें स्ट्रेंथ निकालना होता है, तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए बच्चों, स्ट्रेंथ को निकालने के लिए जो हमारा मोलरिटी यहां पर आई हुई है जो एक्स है, इसको ग्राम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया एक्स इंटू ग्राम मोलर मास होता है 158, ये जो स्ट्रेंथ होगी ये ग्राम पर लीटर होगी। ये आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू है जो आपको फाइंड आउट करना है ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से इसके बाद प्रिकॉशंस हैं वो आप जरूर लिख लेंगे, और इस तरह से आप केमनोफोर के मोहर साल्ट के साथ टाइटेशन को कर सकते हैं। थैंक यू।